फोन रखिए आप, पहले फोन रखिए। प्रोसेसिंग टाइम मुझे बताइए। टोल प्लाजा पे न रोड सही है, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। क्रेन नहीं है, काटा नहीं है, तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो पैसा बेवकूफी का बनाने का ले रहे हैं। रोडे सही नहीं है, सबसे मुख्य बात जो होती है, चलिए आपको दिखाएं हम, चलिए अभी वीडियो भी बनाई है हमने। यहाँ पर पीछे टोल टैक्स है और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये फैजाबाद सुल्तानपुर टोल प्लाजा है, लेकिन उसके टोल प्लाजा के जस्ट सामने आप देख सकेंगे ये जो रोड है इस पे ये मिट्टी जो लगी हुई है, ये जो पत्थर बाहर निकल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो सही नहीं थी, इनके जो मानक थे वो सही नहीं थे, रोड सही तरीके से नहीं बनवाई गई है। ये आप देख सकेंगे इसका पूरा ये हाथ में आने वाला है और ये बता रहा है कि सही तरीके से वे रोड नहीं बनाई गई है, इसीलिए इतनी जर्जर अवस्था में ये पूरी रोड है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इतने दूर नहीं, ये पूरा रोड इसी तरीके से बनाया गया है। क्योंकि हम टोल क्यों देते हैं? रोड आपको अच्छी मिले जी, रोड आपकी रोड अच्छी है। रोड देखिए एक्चुअली क्या है, हमारे नहीं है रोड, अभी जो है PWD से आके ये NHAI में कन्वर्ट हुई है। ठीक, अभी जो ये इसका मेंटेनेंस है ये PWD के पास है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, न कि नेशनल हाईवे के पास। केवल जो एजेंसी है ये कलेक्शन, पैसा किस बात का लिया जा रहा है? इतनी लेक्चर नहीं सुनना है मुझे, पैसा बताइए। ये आपकी पूरी रोड टूटी हुई है, उधर रोड टूटी हुई है, उधर रोड टूटी हुई है, और आप पैसा ले रहे हैं। इनके लिए हमने ऑलरेडी अपना शिकायत दर्ज कर रखे हैं NHAI को। ये पीछे क्यों जा रहे हैं ये बताइए जरा। फास्टैग इनकी स्कैन नहीं हो पा रहा है, ऑटोमेटिक रीडर लगी है, ऑटोमेटिक जब तक स्कैन नहीं करेंगे कुछ तकनीकी समस्या के कारण आगे पीछे हो रही है। आपको पता है प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? जी पता है, 3 मिनट, 3 मिनट होता है प्रोसेसिंग टाइम। हेलो, आप फोन रखिए भाई, क्या कर रहे हैं? एक तो ये लोग फोन करने 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 के चक्कर में, फोन रखिए आप पहले, फोन रखिए। प्रोसेसिंग टाइम मुझे बताइए। कोई तकनीकी समस्या है इसके लिए उसका सोल्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं है एकदम। प्रोसेसिंग टाइम मुझे बताइए, लेक्चर मत सुनाइए। क्या प्रोसेसिंग टाइम, आप क्या जानना क्या चाहती हैं? यहाँ पर वो कितने मिनट रुक सकता है या कितने व्यक्तिगत हमारी समस्या, और भी लेन से हमारी गाड़ी निकल रही है। रुक जाइए एक मिनट, आपको पता है प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? कितने सेकंड या मिनट आपको इंतज़ार करना चाहिए? अरे हम जब ही रूट पे आते हैं तो अगर मॉर्निंग में सुबह के टाइम आएंगे तो काम करता है, उठ जाता है, जब इधर रिटर्न दोबारा जाते हैं तो आगे पीछे करना पड़ता है। नहीं, अब जैसे आपने 3 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार करा तो आपको टोल नहीं देना होता है, अगर आप वहाँ पर जाके 10 सेकंड से ज़्यादा खड़े होते हैं तो आपको टोल नहीं देना होता है। अभी आपको 10 सेकंड से ज़्यादा हो गया वहाँ पर, तभी से आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग टोल लेंगे आपका? अब वही काम करेगा तो छोड़ेंगे जाने के लिए, नहीं कहेंगे बैक कर लो। चलो आप निकालो, गाड़ी निकालो। आपका फास्टैग रीड हो गया? फास्टैग है, पैसा देना पड़ता है, ओवरलोड है हमारी गाड़ी। आपके टोल प्लाजा पे काटा नहीं है, पैसा किस बात का ले रहे हैं? कह तो रहा हूँ रोड का ओवरलोड, हम तो कह रहे हैं ओवरलोड ना, चलिए पैसा जो ओवरलोड चार्ज ले रहे हैं हम NHAI को दिखा रहे हैं। अरे भैया मुझे ओवरलोड से मतलब नहीं है, मुझे काटे से मतलब है। आप मुझे बता दीजिए एक टोल प्लाजा पर क्या क्या होना चाहिए, बस इतना बता दीजिए क्या क्या होना चाहिए। रोड सही होनी चाहिए, क्रेन होना चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, सारे एम्बुलेंस होनी चाहिए और इक्विपमेंट में आप जैसे स्टेटिज बेवरेज की बात कर रही हैं, स्टेटिज भी बेवरेज होनी चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट ने हमें लगा के नहीं दिया तो वो हम अपना व्यक्तिगत नहीं लगवा सकते, जो गवर्नमेंट देगी, जो सामान जो भी इक्विपमेंट यहाँ चल रही है सब गवर्नमेंट की है। आपके टोल प्लाजा पे, मेरी बात सुन लीजिए, आपके टोल प्लाजा पे न रोड सही है, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, क्रेन नहीं है, काटा नहीं है, तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो पैसा बेवकूफ़ी का बनाने का ले रहे हैं। मैम हमने ऑलरेडी अगले को, हमारा जो है, हम जो एजेंसी है, जब हम आए हमने ऑलरेडी NHAI को बता चुके हैं, जो हमारी ये नहीं NHAI आपके ऊपर कार्यवाही नहीं कर, NHAI के जो हमें इक्विपमेंट लिस्ट मिला है, जो इक्विपमेंट है वो हमारे प्रॉपर वर्किंग जितने मिले हैं उसमें प्रॉपर हमारे ड्रिंकिंग वाटर और बाथरूम की फैसिलिटी की तरह बाथरूम है आगे, वहाँ पब्लिक टॉयलेट है। साथ में आइए आप, और यहाँ पर चूंकि सरकारी जो NHAI की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से साफ सुथरा और अच्छे से होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं सीट भी टूटी हुई है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पान गुटखा मसाला थूका हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था में तो नहीं है ये सारी व्यवस्था,
यहाँ पर जो वॉशरूम्स हैं वो भी पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन नहीं है, अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर बहुत ही गंदी तस्वीर है ये, क्योंकि NHAI अपनी गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहता है कि आम जनता को ड्रिंकिंग फैसिलिटी से लेकर टॉयलेट की फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी अच्छे से होनी चाहिए, पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैनेजर साहब बार बार कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से व्यवस्थाएँ उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम मैनेजर से बात करेंगे और पूछेंगे ज़रा कि आखिर आपका वॉशरूम साफ नहीं है, आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, आपके वहाँ कांटा नहीं है, आपके वहाँ क्रेन नहीं है, तो पैसा किस बात का लिया जा रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप यहाँ पर मैनेजर भी हैं, आप अच्छे से जानते होंगे कि जनता एक रुपये भी बहुत मुश्किल से कमाती है। आप पैसा ले रहे हैं, भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके वहाँ फैसिलिटी के तो नाम पर कुछ नहीं है। क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? और यहाँ अच्छा आप बताइए, टोल प्लाजा पर क्या क्या हो? नहीं, फास्टैग है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, फास्टैग सिर्फ फैसिलिटी में नहीं आता है? नहीं, टॉयलेट ब्लॉक है, सब कुछ साफ सुथरा है। आप वहाँ जो पान थूका हुआ छोटी छोटी चीजें देख रही हैं, वो तो हर जगह होगा। यहाँ दीवार पर कोई थूक जाएगा पेंट होगा तुरंत? नहीं होगा ना, वही चीजें हैं, सारी चीजें सही है। नहीं, नहीं, आप मुझे बताइए जरा, फैसिलिटी के नाम पर आपको क्या लगता है क्या क्या व्यवस्था? मैं आपसे बहुत नॉर्मल सवाल पूछ रही हूँ। एक नहीं, छोड़िए ना, खड़ा होइए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम जमीन पर बैठने वाले इंसान हैं सर, हमें बस फैसिलिटी के नाम पर आप क्या क्या मुहैया करा रहे बस ये बता दीजिए। आपको लगता है, हाँ आप कह रहे सारी फैसिलिटी है, अच्छा ये बताइए क्या क्या होना चाहिए, बस इतना बता दीजिए कि क्या क्या होना, क्या नहीं है यहाँ पे, आप बताइए क्या क्या होना चाहिए आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ, हमें हमसे सवाल मत कीजिए, क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए, आप बताइए क्या क्या होना चाहिए। यहाँ सब कुछ है, यहाँ पे आपके पास क्रेन है? क्रेन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आपके पास काटा है? हायर नहीं हुआ है। आपके पास काटा? क्यों नहीं, काटा लग जाएगा। आपकी आपकी वॉशरूम की व्यवस्था हमने देखी है? वो यहाँ का नहीं, बाहर टॉयलेट ब्लॉक है, वो ऑफिस का है, वो जमीन धस गई है इसलिए। यहाँ भी वही है और वहाँ भी वही, वो जमीन जो बाहर है पीछे वो जमीन धस गई है, जमीन धसने की वजह से वो अंदर चला गया, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हमने नहीं तोड़ा। आपकी तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, आपके आपके आपकी रोडें सही नहीं है, सबसे मुख्य बात जो होती है। चलिए आपको दिखाएं हम, चलिए अभी वीडियो भी बनाई है हमने, वो बन गया, वो बन गई है। चलिए आइए आइए, आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमारे साथ। अच्छा ये तो है ही, हमारे पास बालकनी है, बहुत अच्छे से हमें यहाँ से दिख जाएगा, आइए जरा सा आइए। चलिए यहाँ से खैर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप उस वाले वो जो ट्रक खड़ा है उसके बाहर जाइए, वहाँ पे आपका पूरा वो टूटा हुआ, आपका बैरियर सही नहीं है, आपकी दो तरफ की बैरियर टूटी हुई है, और किस बात की फैसिलिटी आपका गुणगान कर रहे हैं सर? सारी फैसिलिटी में सर, आपसे तो आपकी तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हिसाब से तो सारी फैसिलिटी है। हालांकि ये प्रशासनिक भवन है और प्रशासनिक भवन की अवस्था, इनका भी दोष नहीं है, ये कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमें इसी तरीके से मिला हुआ है, अभी हम भवन का निर्माण तो करा नहीं पाएंगे। अब बात आती है NHAI की, NHAI अपने गाइडलाइंस में बड़ा बड़ा गुणगान करती है कि हम जनता के लिए तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं में एक क्रेन, एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां, और भी जैसे रोड की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, शौचालय की व्यवस्था होती है, इतनी व्यवस्थाओं का गुणगान किया जाता है, लेकिन इस टोल प्लाजा पर आपको एक भी फैसिलिटी नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर टोल प्लाजा, टोल किस बात का लिया जा रहा है ये ना इनको पता है, ना मुझको पता है, और ना आम जनता को बताया जा सकता है। या तो इस बात का जवाब खुद नितिन गडकरी जी दें, या तो NHAI प्रेस रिलीज करके हमें एक बार फिर से बताए कि यहाँ पर हम टोल क्यों दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, आपको भी कहां कहां पर टोल प्लाजा पर दिक्कतें हो रही हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये कहानी सिर्फ एक टोल प्लाजा की नहीं है, तमाम ऐसे टोल प्लाजा हैं जहां पर इस तरीके से धांधली की जा रही है, कहीं NHAI के नाम पर तो कहीं टेंडर वालों के नाम पर तो कहीं किसी के नाम पर, और ये सभी लोग इसका खेल उसका खेल उसका खेल उसका खेल करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं।